ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आज क्या हुआ है? आज है शुक्रवार, तो आज है फ्राइडे। फ्राइडे आज इतनी जल्दी फ्राइडे आ गया। काम के चक्कर में ना वीक ही ऐसे ही निकल जाए। मैं तो सोची थी आज थर्सडे या वेडनेसडे होगा। मुझे तो खुशी हो रही है आजकल काम करने में, थोड़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ ना इन दिनों, तो बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। तो मैं तो खुश होकर अपने सारे काम धीरे धीरे आराम आराम से कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा थक के मेरे को चेहरे में भी नजर आ गया कि मैं थक गया हूँ। तो अभी ना 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और सुबह की चाय हम लोगों ने अभी तक पी नहीं है। और वैसे तो मैं डेली सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ, लेकिन आज प्रशांत बनाने वाले हैं चाय, क्योंकि नई केटल का उद्घाटन यही करेंगे। इन्होंने बोला था, मैंने गिफ्ट दिया है लेकिन मैं इसे यूज़ करके देखी। ये बहुत प्यारी लगी, एनामेल्ड है ना, तो एकदम जो कहते हैं ना स्मूथ फिनिश, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी ना बड़ा शौक है इस टाइप की चीज़ें वगैरह खरीदने का ना और यूज़ करने का ना। मैं बस 1-2 बार का रहता है, उसके रीवा रीवा करती है। हर किसी को अपना नॉन ग्रीसी, क्लीन एंड क्लियर और रिफ्रेश फेस पसंद आता है। जैसे कि आपको पसंद आता है, सेम मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है, जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, एयर पोल्यूशन होता है आसपास, या फिर सीज़न चेंज होता है, ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं, तो उनकी वजह से आपके चेहरे पर थोड़े थोड़े से एक्ने निकल आते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो क्लीन एंड क्लियर नहीं लग पाती। और वो एक्ने क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं आपके चेहरे पर, ब्रेकआउट हो जाता है। और वो किसी को भी नहीं पसंद आती जब आपका फेस क्लीन एंड क्लियर ना हो। तो ममाअर्थ ने ना कुछ रिसेंटली लॉन्च किया है। ममाअर्थ ने लॉन्च किए हैं ऑयल फ्री फेस वॉश एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट भी हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर है इसमें, साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। और सैलिसिलिक एसिड और एप्पल साइडर विनेगर, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप एक्ने से बचना चाहते हो तो उनके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगी आपके साथ, सबसे पहले ऑयल फ्री फेस वॉश के बारे में। ये फेस वॉश आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस कर देता है बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, क्योंकि ममाअर्थ के प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है, ये केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एप्पल साइडर विनेगर की गुडनेस है, जो कि आपके चेहरे को अंदर से नेचुरली क्लीन करने में हेल्प करती है। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, जो कि अनक्लॉग करता है पोर्स को और प्रिवेंट करता है एक्ने, ब्रेकआउट्स को। और आपको इस फेस वॉश को यूज़ करते समय कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली से यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये टॉक्सिन, पैराबेन और हार्मफुल केमिकल फ्री है। एक्चुअली गाइज, ये जो फेस वॉश है ये साइंस का और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फेस वॉश है। एप्पल साइडर विनेगर इम्प्रूव करता है आपके स्किन के टेक्सचर को और साथ में आपके फेस को रिफ्रेश रखने में भी हेल्प करता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, अनक्लॉग करता है पोर्स को। साथ में जो एक्सेस ऑयल है आपके चेहरे पर, या ब्रेकआउट हो रहा है या एक्ने निकल रहे हैं, उसे होने से प्रिवेंट करता है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नियासिनामाइड भी है, जिसमें विटामिन B3 होता है, जो कि एनलार्ज्ड पोर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में ही जो मार्क्स रह जाते हैं ना एक्ने के, उन्हें भी ये धीरे धीरे फेड आउट करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। जब एक्ने होते हैं तो एक्ने के साथ जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ में जो एक्ने जब निकलते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है, उनको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो सिट्रिक एसिड भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो इस फेस वॉश में है। और इस फेस वॉश को आपको कैसे यूज़ करना है, आपका चेहरा थोड़ा गीला होना चाहिए, कॉइन साइज़ के आकार का आप फेस वॉश ले लीजिए, अपने हाथों पर और फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लीजिए। और ज़्यादातर उस एरिया पे करिए जो कि ऑयली रहती है, जैसे कि फोरहेड है, आपका नोज़ है, चिन एरिया है, वहाँ पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। और उसके बाद पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए और पैड ड्राई कर लीजिए। इसके बाद आप ये वाला ममाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी एप्पल साइडर विनेगर के गुण हैं और ये भी टॉक्सिन फ्री है, पैराबेन फ्री है, साथ में ही ये हार्मफुल केमिकल फ्री है। तो आप इसको और इसको दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो चेहरा जो है वो काफ़ी ग्लो करने लगता है, फेस वॉश करने के बाद क्लीन लगता है, क्लियर लगता है। तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। वैसे भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद हैं और ममाअर्थ की ना बहुत सारी खास बातें हैं, जिनमें से एक बात मुझे हमेशा से पसंद है कि ममाअर्थ की गुडनेस उनके केवल प्रोडक्ट में ही नहीं बल्कि वो इस वैल्यू को भी स्टैंड करते हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप ममाअर्थ से परचेज करते हो तो वो आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर किसी ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। तो इस तरीके से ममाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का प्लान किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपको भी अगर ममाअर्थ के प्रोडक्ट मेरी तरह पसंद आते हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ममाअर्थ की वेबसाइट और ममाअर्थ की ऐप से। और अगर आप ममाअर्थ की ऐप से या वेबसाइट से परचेज करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है IMS 2022, जिसे लगाने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ममाअर्थ की ऐप भी है गाइस, तो उसे भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या iOS, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी कोई सेल आ रही होगी या नया डिस्काउंट चल रहे होंगे, ऑफर्स चल रहे होंगे, वो आपको तुरंत पता चल जाएंगे अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आज पहली बार कपड़े धोने का मौका मिला था मुझे। आज सुबह से ही मशीन लगा रखी थी, ढेरों कपड़े धोए मैंने, बाकी तो फिर 1-2 दिन से मैं हाथ से ही वॉश कर पा रही थी। और धूप तो बहुत अच्छी निकलती है तो मौका तो अच्छा था ही, जल्दी सूख भी जाएंगे कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े मैंने आज वॉश कर दिए थे। और आज मेरा प्लान है कि मैं आज अपनी क्रॉकरी यूनिट को पूरा सेट कर लूँ, साथ में समर आ चुकी है तो समर के अकॉर्डिंग अपनी डाइनिंग टेबल भी अरेंज कर लेती हूँ। तो क्रॉकरी यूनिट का जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि सारे जो भी क्रॉकरी घर में है, जितने भी ग्लासेस वगैरह हैं, उन सबको अरेंज करूँगी आज मैं एक ही जगह पर, फिर मुझे हमेशा मिल जाएंगे। किचन अभी धीरे धीरे मैं अरेंज कर रही हूँ, जितनी जितनी ऑर्गेनाइज होती जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी क्रॉकरी यूनिट के पास, और सबसे पहले तो जो भी कुछ इसमें रखा हुआ था बस ऐसे ही रखनी देते हैं रैंडम चीज़ें, जिससे कि जगह नहीं मिल रही, टूटे नहीं तो चलो इसमें रख देते हैं। तो इस तरीके से सामान रखा हुआ था, सारा सामान बाहर निकाला और अच्छे से पहले मैंने कपड़े से कोलिन डाल के सब चीज़ों को क्लीन कर लिया। अब धीरे धीरे सारा सामान सेट करने का मज़ा आएगा। जब प्रशांत ने सोचा कि मैं इस जगह पर क्रॉकरी यूनिट बनवाऊँगा, तब हम लोगों ने काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं वो ड्रॉ करे पेपर पर, तो उसमें से ये डिज़ाइन हमें सबसे अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं चाहती थी कि एक कॉफ़ी कॉर्नर या टी कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने केटल रख ली है, जो इलेक्ट्रिक केटल है ये, और यहाँ पर स्विच भी है जिसे ऑन करके पानी गर्म कर सकते हो। तो बस ग्रीन टी वगैरह है, कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ये सब आराम से बन जाएगी। और अगर मिल्क के सैशे मैंने लाके रख दिए तो वो वाली टी भी बन जाएगी जो रेगुलर में हम लोग बनाते हैं। तो एक छोटा सा मेरा ये टी कॉर्नर तैयार हो गया है। तो मैंने ये एंटी स्लिपरी मैट मंगाए थे, काफ़ी सारे मंगाए हैं क्योंकि किचन में भी मुझे अरेंज करना है, तो सब जगह ये काम आने ही वाले हैं एनीवेज। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आई है गाइस, ख़ासतौर से क्रॉकरी यूनिट अरेंज करने के लिए बेस्ट है। और साथ में जितनी भी ग्लास की क्रॉकरियाँ आप चाहे किचन में रख रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, टूटने का डर नहीं रहेगा। एक तो छूने में बिल्कुल कपड़े जैसा लग रहा है, इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। साथ में मैंने ये ऑर्गेनाइज़र भी मंगाया है, और भी मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मंगाए डिफरेंट तरीके के, जैसे प्लेट ऑर्गेनाइज़ करनी है या कोई और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है तो वो अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख पाऊँ। इनसे क्या होता है आपकी स्पेस बहुत बच जाती है और आप कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें रख पाते हो। अगर बड़ी बड़ी आपकी ड्रॉअर हैं तो उनमें आप सामान रखना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से स्पेस को यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र बहुत हेल्प करते हैं। और ये हैं वो ग्लास के कंटेनर जो कि सोनी दीदी ने गिफ्ट में दिए थे और काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे को देखने में ही। तो मैंने सोचा मैं इन्हें नीचे वाली ड्रॉअर पे अरेंज कर देती हूँ। ऊपर मैं सारे ग्लास लगाऊंगी, नीचे मैं इस टाइप की चीज़ें लगाने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज करा है अभी तक। और अभी ना मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रॉकरी नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो सफिशिएंट है। और मैं जल्दबाजी में कोई और नई क्रॉकरी नहीं खरीदना चाहती। दिवाली के टाइम पर बहुत सारी शॉपिंग हो ही जाती है, तब क्रॉकरी खरीदने का मज़ा अलग होता है, सेल डिस्काउंट भी चल रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, रैंडमली आप घूम रहे होते हैं मार्केट में और कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो आप ख़रीद लेते हो। तो मैं वो ऑप्शन छोड़ना चाहती हूँ। मैं अभी सारा क्रॉकरी यूनिट नहीं भरना चाह रही, इसीलिए जो भी चीज़ें मेरे पास हैं या किसी ने गिफ्ट में दी हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से अपनी क्रॉकरी यूनिट अरेंज कर रही हूँ। और जगह जितनी भी बच रही है वो खाली ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर बाकी के मॉकटेल ग्लासेस भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने ये एक ग्लास सेट मंगाया था, क्योंकि ये शरबत के लिए मंगाया था। समर आ चुकी है और समर में ना शरबत है, जूस है, ये पीने का मन करता है, तो ये वाले ग्लास ही काम आते हैं उस टाइम के लिए। और ये वाला ग्लास का सेट पहले मेरे पास था, वो टूट गया। पूरे साल यूज़ करके एक एक करके वो टूटते चले गए, तो मतलब इस जैसा था, सेम ये नहीं था। तो मैंने एक 6 का सेट फिर से मंगा लिया। और ये बोरोसिल का जो मैं आपको इस टाइम दिखा रही हूँ, ये हम लोगों ने IFB का माइक्रोवेव लिया था ना, उसके साथ ये 2 बाउल सेट मुझे मिले हैं। और ये जब मैंने खोले, इतने सुंदर थे और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। इसमें आराम से कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी आप रख सकते हो, रायता रख सकते हो। बहुत अच्छा साइज़ था इसका, मुझे बहुत पसंद आया। और फ्री में कुछ चीज़ किसी के साथ गिफ्ट में जब मिलती है ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, कभी ऐसी चीज़ जब मिलती है तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है। उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो और मज़ा आ जाता है। तो ये बोरोसिल के थे तो अच्छे लगे मुझे। और ये जो बोरोसिल का एक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी प्यारा सा प्लेटर टाइप का है। तो ये मैंने खुद परचेज़ किया था, इसको भी बहुत टाइम हो गया परचेज़ करे हुए, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। तो आज जब मैं क्रॉकरी लगा रही थी तो मैंने सोचा सबको डिब्बों में से निकाल के मैं अरेंज करूँगी, जब सामने चीज़ें दिखेंगी तो मैं उन्हें यूज़ कर पाऊँगी। तो ऊपर की मैंने क्रॉकरी यूनिट कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वास लगा दिया है कॉर्नर में, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है वुड के साथ, क्योंकि इसका कलर ऑरेंज है और डार्क ब्राउन कलर भी इसमें आ रहा है। साथ में ही मैंने इसमें वाइट फ्लावर लगाए हैं, क्योंकि वाइट फ्लावर काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं लुक को। आसपास वाइट काम भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये 6 शैम्पेन ग्लास जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दीदी ने गिफ्ट में दिए थे। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, मुझे बहुत पसंद आए। और ये अभी मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी, लगने के बाद तो और भी प्यारे लग रहे थे। तो कुछ इस तरीके से क्रॉकरी यूनिट को मैंने अरेंज कर दिया है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है। और जब आप कोई काम कंप्लीट कर देते हो और तो कितनी खुशी मिलती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसे देखने का बार बार मन करता है। तो वैसे ही मन मेरा भी कर रहा था बार बार देखने का। तो ये सब तो अरेंज हो गया है। बात आती है नीचे की, उसकी कैबिनेट की। तो नीचे का जो कैबिनेट है, उसका एक साइड की कैबिनेट का एक पल्ला खुलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरी डाइनिंग टेबल रहती है। ये बात हमें पहले से ही पता थी, तो उसे हम स्टोर के लिए एज अ स्टोरेज हम यूज़ करने वाले थे शुरू से ही। तो वहाँ पर वो वाला सामान रख दिया। दूसरी साइड की पूरी खुल रही है, तो यहाँ पर मैंने अपना एक डिनर सेट रख दिया पूरा का पूरा। और एक डिनर सेट मैं किचन में अरेंज करूँगी, एक मैंने यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट में अरेंज कर दिया। बाकी यहाँ पर प्लेटर्स प्लेट हैं, पास्ता प्लेट्स हैं, पानी पूरी प्लेट है, ये सब की जितनी भी स्नैक्स आइटम होते हैं वो सारी प्लेट हैं। और साथ में प्लेटर्स हैं, वो सब मैं यहीं पर अरेंज करने वाली हूँ। और यहाँ पर जब मुझे सामने दिखाई देंगे तो मैं कभी भी कुछ भी, जैसे रेसिपी बना रही हूँ या घर पे कोई आ रहा है, तो उन्हें आराम से यूज़ कर पाऊँगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से नीचे की भी जो कैबिनेट थी वो अरेंज कर ली। थैंक्स अ लॉट गाइज़, आप सभी को मेरे लेटेस्ट व्लॉग काफ़ी पसंद आ रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं और आपको टिप्स भी मिल रही हैं उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ और उन पर हाथ देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप जानते ही हो इन दिनों शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारा काम फैल गया है और शिफ्टिंग के बाद उसे अरेंज करना और भी टफ़ जॉब हो जाता है। तो अभी मैं डाइनिंग टेबल अरेंज करने वाली हूँ नए तरीके से, और सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी ऑलिव ऑयल की हेल्प से। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है वुड के लिए और आप ट्राई करके ज़रूर देखना, आपकी जो टेबल है उस पर चमक आ जाएगी, वुड के जितने भी सामान होते हैं उन पर शाइन आ जाएगी। और ये बात मुझे कारपेंटर ने ही बताई थी, और आप समझ सकते हो इन दिनों इतना सारा काम चला है, धूल उड़ी है, तो जो चीज़ें थी ना उनमें शाइन चली गई थी, लेकिन जब मैंने ऑलिव ऑयल से इसे क्लीन किया एकदम से चमक गई थी सारी चेयर और टेबल। और अभी मैं ना टेबल समर के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाली हूँ, क्योंकि समर चल रही है इस टाइम, समर आ चुकी है, तो समर में ना थोड़े से जो ब्राइट कलर होते हैं वो अच्छे लगते हैं, फ्लावर अच्छे लगते हैं, प्रिंट अच्छा लगता है, तो मैंने उसी को देखते हुए ये जो डाइनिंग टेबल का सेटअप है वो किया है। तो समर में सनफ्लावर भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर सनफ्लावर लगा दिया था वास में, और साथ में ही जो मैंने इसको थीम दिया है थोड़ा येलो और वाइट मिक्स करके दिया है, उससे इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और समर में तो मज़ा आ जाएगा, जब ऐसे कलर आप देखते हो आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी डाइनिंग टेबल भी सेट कर ली है। तो ओवरऑल आज मैंने जो सोचा था वो मेरा काम पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात तो क्रॉकरी यूनिट सेट हो गई मेरी, और उसके बाद डाइनिंग टेबल भी मैंने अरेंज कर ली है, तो मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है इसको देखकर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।